आप देख रहे हैं न्यूज हेल्थ, खबरें सेहत की। कोरोना वायरस के बाद म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस भारत में तबाही मचा रहा है। अब तक यही कहा जा रहा था कि स्टेरॉयड ट्रीटमेंट लेने वाले कोरोना मरीजों में ही ब्लैक फंगस फैल रहा है, लेकिन हाल ही में सामने आए केसों ने डॉक्टरों की मुश्किल बढ़ा दी है। दरअसल हाल ही में कोरोना के कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्हें ना ही तो कोरोना था और ना ही डायबिटीज। बता दें कि पंजाब में अब तक ब्लैक फंगस के 158 से ज्यादा मामले सामने आए, जिनमें से 32 मरीजों को कभी कोरोना संक्रमण नहीं हुआ था। वहीं उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के 454 केस में से 413 मरीज ऐसे थे जिन्हें ना ही तो कोरोना हुआ और ना ही कभी डायबिटीज। बता दें कि देश में कोरोना ही नहीं बल्कि ब्लैक फंगस की दवाओं में भी कमी है। ऐसे में डॉक्टरों को इसकी वैकल्पिक दवाइयां देने के लिए कहा जा रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये बीमारी संक्रमित व्यक्ति के छूने से नहीं फैलती। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को इसका खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा गंदगी जहां होगी वहां ब्लैक फंगस का खतरा भी ज्यादा होगा। डायबिटीज मरीजों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल ऐसे मरीजों की इम्यूनिटी कमजोर होती है। वहीं ऐसे में मरीजों में शुगर लेवल बढ़ जाने पर ब्लैक फंगस खतरनाक रूप ले सकता है। ये फंगस नाक से शरीर में जाकर रक्त वाहिनियों को बंद कर देता है, फिर वहीं से ये साइनस में चला जाता है। साइनस एयर नाक के पास होती है जहां जाकर ये अंधेपन का कारण बनता है। एक्सपर्ट्स की माने तो ब्लैक फंगस भाप लेने या कूलर की हवा से नहीं फैलता। हालांकि ये हवा, पौधे, बाथरूम और हमारे आसपास मौजूद हो सकता है, पर ये उसी पर अटैक करता है जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। इसके अलावा ऐसी अफवाह फैल रही है कि लंबे समय तक मास्क लगाने से भी ब्लैक फंगस फैल रहा है, जबकि ये गलत है। हालांकि फिर भी लोगों को मास्क साफ करने व बदलते रहने की जरूरत है। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए तली भुनी चीजें, जंक फूड, प्रोस्टेट और डिब्बा बंद फूड से दूर रहें। डाइट में विटामिन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा लें। इसके अलावा लिम्फोसाइट्स बढ़ाने वाले फूड जैसे कि सूखे मेवे, प्लांट ऑयल, सोयाबीन, पालक, लहसुन, ग्रीन टी, सिट्रस फ्रूट्स, नींबू, मौसमी संतरा, आम खाएं। बिना डॉक्टर की सलाह के सप्लीमेंट्स ना लें और लक्षण दिखते ही तुरंत चेकअप कराएं। 7 से 9 घंटे तक की भरपूर नींद लें और तनाव लेने से बचें। रोजाना कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज और योग करें। भोजन के बाद कम से कम 20 मिनट जरूर टहलें। खूब पानी पिएं, हरी सब्जियां खाएं और चीनी कम से कम खाएं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें।